हेलो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द मैग्नेटोस्टिक्शन मेथड एंड दिस इज़ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एज आई टोल्ड यू, मैग्नेटोस्टिक्शन इफेक्ट इज़ डिपेंड ऑन अ मैग्नेटिज्म, बट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so in some crystal, let us see what is the piezoelectric effect. In some crystal, if pressure is applied to the one pair of opposite faces, then one of the other pair equivalent opposite electric charges are developed. When the faces are subject to the tension instead of pressure, the sign of the charges reverse. This effect is known as piezoelectric effect. Okay, तो ये आपको इसकी डेफिनेशन से इतने अच्छे से समझा नहीं होगा. लेट अस सी एक्चुअल में होता क्या है. अगर एखादा क्रिस्टल है, सपोज दैट एखादा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और उसके ऊपर हमने मैकेनिकल वर्क किया. तो मैकेनिकल वर्क किया मतलब क्या, उसके ऊपर हमने कुछ फोर्स एक्ट किया. ड्यू टू दैट वी विल गेट द चार्जेस ऑन द अदर साइड. ओके, सो करंट इज प्रोड्यूस इन इट. And reverse condition is also applicable. Okay, so that's why this is called piezoelectric effect principle. The two faces of the quartz crystal are cut perpendicular to the optical axis. We know that optical axis is passing through its center. Okay, if the alternating voltage is applied to the one pair of the faces, alternating current हमने apply किया कहाँ? One pair of the faces of the crystal, एक crystal ला, the corresponding changes in the dimensions of the other pair of the faces of the crystal are produced. As we know, if we apply some external force or mechanical work, then we will get the charges. That is, quartz crystal is continuously expands and contracts, thereby production of इलेक्ट्रिक वेव्स. द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाय. उसके बाद हमें फॉर्मूला देखना है. क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, उसकी वजह से उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूसर है एंड ड्यू टू दैट वी विल गेट द अल्ट्रासोनिक वेव्स. द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाय दैट फॉर्मूला. एन इज इक्वल टू 1/(2)t अंडर रूट वाई अपॉन रो, दैट इज 1/(t) इंटू म्यू. सो इसका नोटेशन क्या होता है एक्चुअल में, सबका मीनिंग हमें अगर पता हो तो हम इसको अच्छे से लिख सकेंगे. ओके, सो वाई स्टैंड्स फॉर यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. आप यंग्स मॉड्यूलस भी बोल सकते हो उसको, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द क्रिस्टल. एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल. वेलोसिटी ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन द क्रिस्टल इज गिवन बाय वी एंड एल इज द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल. ओके, अगर सारी वैल्यूज पता हो तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एन. एन से जो है वो हम फ्रीक्वेंसी देंगे. वेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिव वोल्टेज मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल रेजोनेंट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम अल्ट्रासोनिक वेव्स एज जनरेटेड. दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाने के बाद रेजोनेंस की वजह से वहाँ हमें अल्ट्रासोनिक वेव मिलेगा. ओके, तो अब कंस्ट्रक्शन देखना है हमें. व्हाट सेज द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में R1, R2, RE इज गिवन. RFC चौक भी है, पॉजिटिव VCC भी है, C1 है, L1, L2, L3 ये जो है वो टैंक सर्किट प्रोड्यूस करता है. द ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम इज शोन इन द फिगर. ओके, तो बेसिकली ये जो है वो हार्टली ऑसिलेटर पे डिपेंड होता है. ये डायग्राम ऑसिलेटर हार्टली ऑसिलेटर का ही है जो आपको दिया है. द रेजिस्टेंस R1, R2, RE and the supply voltage VCC gives the DC operating point of the transistor. Okay, so positive VCC को हम supply दे रहे हैं. किस से दे रहे हैं? R1, R2, RE से दे रहे हैं. Q is the thin slice of quartz crystal whose faces are cut perpendicular to the optical axis. ये जो Q रखा है ना, यहाँ दिख रहा है A और B के बीच में,
दैट क्यू, वो क्रिस्टल है हमारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है एक्चुअल में, वो वाइब्रेट होगा और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा. दिस स्लाइस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स ए एंड बी. दिस प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द कॉइल एल थ्री. त्या दोन्ही प्लेट्स ज्या आहेत त्या एल थ्रीला आपण जॉईन केलेल्या आहे. द कॉइल एल वन, एल टू, एल थ्री आर इंडक्टिवली कपल्ड. ओके, सो त्यांचं इंडक्टिव कपलिंग केलेलं आहे. अँड द कॉइल एल टू इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर सर्किट अँड कॉइल एल वन इज कनेक्टेड टू द बेस इमिटर सर्किट. ओके, सो एल टू इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर सर्किट अँड एल वन इज कनेक्टेड टू द बेस इमिटर सर्किट. उसके बाद ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद देखेंगे हम इसका वर्किंग. नाउ लेट अस सी इट्स वर्किंग. फिजिओइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर वर्क कसं करतं ते आपल्याला बघायचं आहे. व्हेन द कलेक्टर व्होल्टेज व्ही सी सी इज स्विच्ड ऑन, द कलेक्टर करंट स्टार्ट रायझिंग अँड चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर सी इन्क्रीजेस. ॲज सून ॲज वी स्टार्ट द कलेक्टर व्होल्टेज, कलेक्टर व्होल्टेज आपण स्टार्ट केलं, द कलेक्टर करंट स्टार्ट रायझिंग अँड चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर सी इन्क्रीजेस. अँड कॅपॅसिटर सीवरचा चार्ज जो आहे तो इन्क्रीज होईल. When the capacitor C is fully charged, जेव्हा कॅपॅसिटर सी फुल्ली चार्ज होऊन राहील, इट डिस्चार्ज थ्रू एल वन. ओके, त्याचा डिस्चार्ज होईल थ्रू एल वन अँड एल टू. सेटिंग अप द डॅम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन्स इन अ टँक सर्किट, आपण डॅम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन सर्किटमध्ये सेट केले. द ऑसिलेटरी करंट इन अ टँक सर्किट प्रोड्युसेस अँड ए सी व्होल्टेज अक्रॉस एल वन. ऑसिलेटरी करंट इन अ टँक सर्किट प्रोड्युसेस अँड ए सी व्होल्टेज, तिथे ए सी व्होल्टेज तयार होतात, विच इज अप्लाइड टू द बेस इमिटर जंक्शन. जे बेस इमिटर जंक्शनला अप्लाय करतात. ओके, विच इज अप्लाइड टू द बेस इमिटर जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर अँड अपियर्स द अप्लाइड फ्रॉम द कलेक्टर सर्किट. आणि कलेक्टर सर्किटमध्ये मिळतात. फीडबॅक ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटपुट टू इनपुट इज अकम्पलिश थ्रू द ॲटो ट्रान्सफॉर्मर. जो ॲटो ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याच्यातनं तो अकम्पनिश होतो. दस एनर्जी इज फीडबॅक इन टू द टँक सर्किट बाय मीन्स ऑफ अ म्युच्युअल इंडक्टन्स बिटवीन एल वन अँड एल टू. आणि त्यांच्या म्युच्युअल इंडक्टन्सनुसार, एल वन आणि एल टूच्या म्युच्युअल इंडक्टन्सनुसार एनर्जी फीडबॅक मिळतो. कॉन्सिक्वेंटली ऑसिलेशन्स आर सस्टेन इन अ सर्किट. ऑसिलेशन्स तयार होतात. द कॅपॅसिटन्स ऑफ सी इज व्हॅरीड सो दॅट द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्रिस्टल अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ऑसिलेटर बिकम्स इक्वल अँड रेझोनन्स टेक्स प्लेस अँड ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन बिकम्स मॅक्झिमम. आणि व्हायब्रेशनच्या ॲम्प्लिट्यूड जे आहे ते कसं असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. सिन्स एल वन, एल टू, एल थ्री आर इंडक्टिवली कपल. एल वन, एल टू, एल थ्री जे आहे ते इंडक्टिवली कपल केलेले आहे. द ऑसिलेटरी करंट ऑल्सो फ्लोज थ्रू एल थ्री. ऑसिलेटरी करंट जो आहे तो एल थ्रीमधनं पास होतो, विच इज अप्लाइड टू द प्लेट्स ए अँड बी. प्लेट ए आणि प्लेट बीमधनं तो पास होतो. सिन्स क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स ए अँड बी. आता जेव्हा क्वार्ट्ज क्रिस्टल जे आहे ए आणि बीमध्ये पुट करतो, विल अंडरगो लिनियर एक्सपान्शन. लिनियर एक्सपान्शन म्हणजे कसं आहे, त्याच्या लेंथमध्ये कमी जास्त होतात. दॅट इज द लिनियर एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन. इन अदर वर्ड्स द क्रिस्टल इज सेट इन टू मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स. ओके, तो जो क्रिस्टल आहे तो काय करतो, मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स दाखवतो. इमिटिंग द साऊंड वेव्स ऑफ डेफिनाईट फ्रिक्वेन्सी. ओके, एका एका डेफिनाईट फ्रिक्वेन्सीचा तो साऊंड प्रोड्यूस करतो. दॅट इज अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर प्रोड्यूस इन अ सराउंडिंग मीडिया. आणि अल्ट्रासॉनिक वेव्स जे आहे तो प्रोड्यूस करतात. अल्ट्रासॉनिक फ्रिक्वेन्सी ॲज हाय ॲज 500 mHz कॅन बी प्रोड्यूस विथ पिझो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर. ओके, सो अल्ट्रासॉनिक फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती असते 500 MHz कॅन बी प्रोड्यूस विथ द पिझो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर. पिझो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटरनी आपण इतक्या फ्रिक्वेन्सीची जी आहे ती अल्ट्रासॉनिक वेव्स प्रोड्यूस करू शकतो. ओके, सो आपण मॅग्नेटोस्टिक्शन बघितलं. अल्ट्रासॉनिकचं प्रोडक्शनसाठी पहिला मॅग्नेटोस्टिक्शन बघितला.
दुसरा पिझो इलेक्ट्रिक बघितलं. याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा काय बघितलं, व्हॉट इज इन बाय पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन इट्स सर्किट डायग्राम, अँड आफ्टर द सर्किट डायग्राम इट्स कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग. ओके, सो हियर इज अवर पिझो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर.